मौसम तो ऐसे ही चल रहा है, देखो कभी दो एक छीटा बारिश हो जाता है, गर्मी पड़ता है, उमस ज़्यादा है, गर्मी से बुरा हाल है, पसीना सूख ही ना रहा है, बहुत परेशान है, झोंका नहीं आ रहा हवा का। उमस तो इतना है कि अंदर पार्क में आते हैं पूरा पसीना पसीना हो जाता है। बस गर्मी तो बहुत है, इतना सा दूर चल के आया तब भी पसीना पसीना पूरा गीला गीला हो गया। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून की बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है, हालांकि बारिश के बाद उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में इस हफ्ते झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल के बात की जाए तो वहाँ पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ सकता है। दिल्ली NCR में बारिश के बाद भी उमस भरी गर्मी बनी हुई है। बीते दिन यानी कल की बात करें तो रविवार को सुबह से ही धूप खिली रही, जिससे तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि सोमवार यानी आज की बात करें तो दिल्ली में मौसम थोड़ा सुहावना रह सकता है। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं, कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। आज अगर दिल्ली के तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी यूपी के लोगों को भी काफ़ी परेशान कर रही है। ऐसे में हम दिल्ली की कुछ जनता से बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से हल्की उमस और गर्मी से जिस तरह से परेशानी हो रही है, क्या कुछ करना चाहते हैं, आइए चलते हैं। मौसम तो ऐसे ही चल रहा है, देखो कभी दो एक छीटा बारिश हो जाता है, गर्मी पड़ता है, उमस ज़्यादा है, तो बारिश के मौसम में और क्या बताएं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले को हाथ है। मौसम वाले तो ऐसे ही बोल देते हैं कल वहाँ ऐसे बाहर जाएंगे, वो होता ही नहीं है, उनका तो कहने की मतलब है, उसके क्या जरूरत है, उसका हाथ में तो है नहीं, वो ऊपर वाले को हाथ में है तो उसको कहने से थोड़ी होगा। अच्छा, अब जो बारिश हल्की हल्की हो रही है लेकिन राहत नहीं है, तो किस तरह की समस्याएं हो रही है? अब क्या बताऊँ, समस्या हमारा शरीर का समस्या कैसे बता सकता हूँ, अब ऊपर के मौसम नहीं हो रहा है तो क्या बता सकता हूँ मैं। गर्मी उमस तो बहुत है, चल नहीं पाते हैं, ज़्यादा चले तो पसीना होता है, अब बूढ़ा आदमी को क्या है, बीपी बढ़ जाता है, बैठना पड़ता है, हवा नहीं आए तो कहता है अरे मर गया, ऐसे ही बोलना पड़ता है। गर्मी से बुरा हाल है, पसीना सूख ही ना रहा है, बहुत परेशान है, झोंका नहीं आ रहा हवा का, बादल आते हैं, बारिश होती क्यों नहीं, ऐसा क्या है? कल भी दिल्ली NCR में कुछ जगह बारिश हुई है, हाँ कुछ राहत मिल रही है क्या? हाँ कहीं राहत मिल रही है, राहत नहीं है इधर, नहीं है इधर, राहत यहाँ नहीं है ना, बिल्कुल राहत नहीं है। उमस तो इतना है कि अंदर पार्क में आते हैं पूरा पसीना पसीना हो जाता है। अब मौसम विभाग भी बताता है कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, बताया था 14 तारीख को बारिश होगी, वही बारिश यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में तो बारिश जहाँ है वहाँ भी हल्के छींटे वीटे पड़ते हैं, पहली जो बारिश हुई थी उसने अभी तक जो है ना ज़मीनों में गड्ढे कर रखे हैं, पूरी सड़कें धसी हुई हैं, पूरे रोड धसे हुए हैं, और बारिश तो यहाँ तो है ही नहीं, और पूरा इतना जंगल में आते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल हवा भी नहीं है। अब मौसम विभाग क्या बताता है कुछ पता ही नहीं लगता है। तो जिस तरह से कल बारिश हुई है कुछ जगहों पर, उससे क्या यहाँ पे कुछ राहत मिली? ना ना, कोई राहत नहीं मिली जी, यहाँ इतनी उमस है कि अब थोड़ा चलते हैं तो आके बैठ जाते हैं। और बस गर्मी तो बहुत है, इतना सा दूर चल के आया तब भी पसीना पसीना पूरा गीला गीला हो गया। दिल्ली में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है क्या? उससे थोड़ा सा होता है, फिर बंद और गर्म घुमास बिल्कुल। आज भी बारिश का अनुमान बताएं? आज भी बताया कहाँ ना, वही हवा नहीं है, कुछ नहीं है, गर्म है कि इनका कहना है कि जिस तरह से गर्मी और उमस से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरह से बारिश के रोज़ आसार बताए जा रहे हैं लेकिन बावजूद बारिश नहीं हो रही, तो ऐसे में जल्दी बारिश होनी चाहिए और दिल्ली में गर्मी और उमस से राहत मिल सके। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।